हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम वीक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस एफओ एग्जाम में पॉइंट सेक्शन में ऐसा कौन सा टॉपिक हम प्रिपेयर करें कि हम इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते। तो आज के इस वीडियो का मेन मोटिव है, देखिए, हाउ टू स्कोर कट ऑफ मार्क्स फ्रॉम ए सिंगल टॉपिक इन ए क्वांट। एक ऐसा सिंगल टॉपिक हम क्वांट में प्रिपेयर करें जिससे हम कट ऑफ इजिली क्लियर करें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लास्ट 5 ईयर्स का एनालिसिस देखा, क्योंकि जिस लास्ट 5 ईयर के एनालिसिस में हमें ये क्लियर होगा कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका वेटेज मैक्सिमम है और हमारे कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में कट ऑफ से ज्यादा आते हैं, तो ऐसा कौन सा टॉपिक है। तो देखिए, लास्ट 5 ईयर्स के एनालिसिस में अगर हम देखें तो फर्स्ट टॉपिक इज DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से हमारे आईबीपीएस एफओ एग्जाम में लास्ट 5 ईयर्स में 15 to 10, ठीक है, और 2018 में अगर हम बात करें तो 2018 में 20 क्वेश्चंस देखने के लिए थे 4 GIR के एग्जाम, ठीक है। तो ये जो वेटेज है वो 10 टू 20 के बीच में वैरी कर रहा है, पर लास्ट 3 ईयर से अगर हम ऑब्जर्व करें तो 3 DI फिक्स आ रही है आपके एग्जाम, और DI के साथ साथ DI एंड केसलेट DI जो है ना वो DI का ही एक वर्जन, ठीक है। यहाँ पर डाटा आपको पैराग्राफ के फॉर्म में दिया होता है, उसे ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो देन वो DI के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाता है और देन उसे प्रॉपर फॉर्म में सॉल्व करना होता है। तो अगर हम इस टॉपिक को भी इसी का पार्ट इंक्लूड कर दें तो आपके पास लास्ट 5 ईयर्स में देखिए कि एक केसलेट DI यानी 5 क्वेश्चन इससे भी कन्फर्म आए। तो फाइनली अगर हम बात करें तो हमें 50 में से, ठीक है, 20 क्वेश्चन केसलेट DI एंड DI से मिले जो हमारे कट ऑफ मार्क्स से क्या है ज्यादा। यानी अगर हम एक सिंगल टॉपिक DI प्रिपेयर करके चल जाते तो हम इजिली कट ऑफ क्लियर कर सकते, बट इसके लिए हमें ये भी देखना है कि किस लेवल की DI हमारे एग्जाम में आ रही है, क्या डिफिकल्ट आती है, क्या मॉडरेट आती है, या हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और किस ग्राफ पे बेस्ड DI आ रही है, ऐसा कौन सा ग्राफ है जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। देखिये, यहाँ पर हमने लास्ट 6 ईयर का एनालिसिस लिया है जिसमें हमारे पास किस लेवल की DI हमारे एग्जाम में आई है, किस पाई चार्ट पे बेस्ड DI है, ठीक है। तो देखिए, 2023 में हमारे पास जो DI आई थी वो मॉडरेट लेवल की, यानी तीनों DI हमारी किसकी थी, इजी टू मॉडरेट थी, ठीक है, मॉडरेट से अबव लेवल नहीं था। एंड फर्स्ट DI आपकी पाई चार्ट पे बेस्ड थी, सेकंड आपकी लाइन ग्राफ पे बेस्ड थी, एंड थर्ड टेबल ग्राफ पे बेस्ड। सिमिलर 2022 में आपके पास फिर सिमिलर 3 DI यानी 15 क्वेश्चन से आए थे, ठीक है, और जो DI थी वो मॉडरेट लेवल की थी, जिसमें से एक DI देखिए पाई चार्ट पे बेस्ड थी और एक टेबल। अगर हम इस 5 to 6 ईयर्स में देखें तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो बहुत कॉमन हमें विजिबल हो रहा है, तो 2021 में देखिए मॉडरेट लेवल की DI थी, 3 DI थी, 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 1 पाई चार्ट पे बेस्ड, 1 लाइन ग्राफ पे बेस्ड एंड 1 टेबल। अगर हम 2023 लास्ट ईयर्स का डाटा देखें तो लाइन बार लाइन सिर्फ एक ग्राफ चेंज हुआ, बाकी टेबल ग्राफ कॉन्स्टेंट था, ठीक है, पाई चार्ट। और अगर हम एवरी ईयर देखें तो एवरी ईयर एक पाई चार्ट आपको जरूर देखने के लिए, एंड सेकेंड ग्राफ, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट देखें तो टेबल ग्राफ। 6 में से 5 ईयर्स में टेबल ग्राफ आया और 6 के 6 ईयर एक DI आपकी पाई चार्ट पे बेस्ड आई। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है कि जब हमें DI प्रिपेयर करनी है, ठीक है, DI का वेटेज तो हमें क्लियर हो ही रहा है कि हमारे कट ऑफ मार्क्स से मैक्सिमम है, बट यहाँ पे हमें ये भी समझना है कि हमारा जो DI 3 DI हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिल रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ इज पाई चार्ट। हमें पाई चार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसमें जो लेवल हमारे एग्जाम में आ रहा है उसका DI का वो क्या है, मॉडरेट। तो हमें मॉडरेट लेवल की DI इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जानी है ताकि हम इजिली एग्जाम अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है, DI को इजिली अटेम्प्ट कर पाए। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ इज टेबल ग्राफ। तो हमें सेकेंड ग्राफ प्रेफरेंस किस ग्राफ को देनी है, टेबल ग्राफ, और ये भी हमारे पास DI मॉडरेट लेवल तक, तो हमें इसमें भी मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन ही डिस्कस करने और मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन ही प्रिपेयर करने। एंड थर्ड ऑर्डर वाइज अगर हम कहें तो आपके पास देखिए लाइन बार तो आपके पास बार ग्राफ, थर्ड इम्पोर्टेंट ग्राफ इज बार ग्राफ एंड फोर्थ इज ए लाइन। तो ये 4 आपके ऑर्डर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ है जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं, हमें इसी ऑर्डर में उनकी प्रैक्टिस करनी है। पाई चार्ट और टेबल ग्राफ को हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना और परफेक्ट, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज क्लियर हुई है कि हमें किस टाइप की DI एग्जाम में देखने के लिए मिल रही है लास्ट 5-6 ईयर्स में, किस ग्राफ पे बेस्ड DI है, कौन सा ग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारी लास्ट ईयर DI है, जिससे मैंने यहाँ पर एक DI लिया जो ये टेबल ग्राफ पे बेस्ड है, ये हमारी 2023 में DI।
ठीक है, और इसमें किस टाइप का डाटा आया था तो देखते हैं। द टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ पैनकेक सोल्ड इन फोर डिफरेंट बेकरीज। फोर डिफरेंट बेकरीज में जो पैनकेक सेल हुए ना उसका डाटा हमें मिलता है। ठीक है, ए बी सी डी बेकरी की नेम है, ठीक है, और संडे के टाइम की हमें बात हो रही है। एंड द नंबर ऑफ कैरेट पैनकेक सोल्ड इन दीज बेकरी, कैरेट पैनकेक जो सेल हुए ना उसका डाटा भी हमें मिलता है। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन द पैनकेक एंड द कैरेट पैन, और ये डिफरेंस को बता रहा है पैनकेक एंड कैरेट पैन। तो यहां से देखिए फिर हमें यहाँ पे कंक्लूजन एक कंडीशन दी है, टोटल नंबर ऑफ पैनकेक सोल्ड, द नंबर ऑफ कैरेट पैनकेक एंड नंबर ऑफ बनाना पैनकेक, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ ब्लूबेरी पैनकेक। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये बताया गया है जो नंबर ऑफ पैनकेक सेल हुए ना, ठीक है, वो क्या है, थ्री टाइप के पैनकेक से मिलते हैं। एक तो कैरेट जिसका डाटा हमें डायरेक्टली दिया, सेकेंड हमें बताया गया बनाना पैनकेक, ठीक है, एंड थर्ड हमें बताया गया ब्लूबेरी पैनकेक। ठीक है, तो यहां से हम देखिए इसके डिफरेंस से टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, ब्लूबेरी एंड बनाना, उसका सम आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस, उससे कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी और हम इसे सिंप्लीफाई करके पहले डाटा को डायरेक्ट पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये हमारे पास जो आपके पास 2023 की सेम भी आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन वेरियस कोर्स, ठीक है, डबल पाई चार्ट पे बेस्ड, जो लास्ट ईयर हमारे पास डीआई आई थी डबल पाई चार्ट पे बेस्ड, उसमें डाटा दिया। ठीक है, किस टाइप का डाटा दिया है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट वेरियस कोर्स, वेरियस कोर्स में जो परसेंटेज वाइज कोर्स में हमारे पास स्टूडेंट है वो परसेंटेज वाइज डिफाइन की है। एंड पाई चार्ट फर्स्ट शो द बॉयज परसेंटेज ऑफ द बॉयज एंड पाई चार्ट सेकंड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या दिया, जो टोटल स्टूडेंट है वो पाई चार्ट वन में दिए गए और बॉयज पाई चार्ट टू में। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कोर्स सी, कोर्स सी में जो स्टूडेंट है ना वो 600। ठीक है, कोर्स सी का जो परसेंटेज लेवल है वो 5%, 5% इज 600। द नंबर ऑफ बॉयज इन कोर्स बी, कोर्स बी में जो बॉयज है वो 10%, वो कितने हैं, 2। तो एक सिंगल डाटा हमें दिया है उससे हमें कंप्लीट पाई चार्ट की वैल्यू कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि यहाँ पर भी हमें डाटा क्या है, इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया, हमें उससे पहले इनिशियली डायरेक्ट फॉर्म में करना। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थे डीआई के कि किस टाइप की डीआई आ रही है, और हमें एक चीज समझनी है कि डीआई हमारे जो एग्जाम में आ रही है ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रही, मॉडरेट लेवल मैक्स, तो हमें उसी लेवल की डीआई की प्रैक्टिस। ठीक है, जब भी हमें किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता है तो सबसे पहले हमें उसे एनालिसिस से समझना है कि कौन सा टॉपिक प्रीफिक्स वाइज आपके लिए मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स रखता है, तो वो हमारा डीआई। डीआई का ही हमने अभी हम समझने में देखा कि जो आपका वर्जन है केसलेट डीआई, वो डीआई का ही वर्जन है, तो अगर हम दो टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो कट ऑफ हम इजीली क्लियर कर सकते। ठीक है, तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, पर हमें यहाँ पे साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें डीआई एंड केसलेट डीआई को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो उसके लिए देखिए आपको इन कुछ टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो डीआई है ना वो दो टॉपिक पे तो मोस्टली डिपेंड है, फर्स्ट इज ए परसेंटेज एंड सेकेंड इज ए रेशियो। ठीक है, तो हमें इन टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। आपके सामने हमें यहाँ डाटा किसके फॉर्म में दिया, परसेंटेज, और कहीं पर आपको डाटा किसके फॉर्म में दिया जाएगा, रेशियो। तो हमें इन दो टॉपिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए तभी हम डीआई को इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो हम ओवरऑल ये तो देखते हैं कि हमारा डीआई का वेट इज 15 मार्क्स का, पर उस डीआई की डिपेंडेंसी किस टॉपिक पे है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो फाइनली हमें कहीं ना कहीं डीआई तो प्रिपेयर करना ही करना है, पर डीआई के लिए हमें परसेंटेज एंड रेशियो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि कैसे हमें आईबीपीएस एएफओ के लिए डीआई को प्रिपेयर करना है, किस लेवल की डीआई आती है, ठीक है, और कौन सा ग्राफ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। आपको पाई चार्ट एंड टेबल ग्राफ के कॉम्बिनेशन, या पाई चार्ट या डबल पाई चार्ट, ठीक है, इस तीन ग्राफ में से पाई चार्ट का ही कॉम्बिनेशन, इनकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की डीआई आती है आपके एग्जाम में, और मतलब उस डीआई को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, डीआई को विद इन टाइम हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे।